So here we start our next topic, accessory organ of the skin. Accessory organ में आएगा hair, skin gland, nails. Accessory structure of the skin, hair. Hair जो कि हमें पता ही है नॉर्मली कैसा होता है. A characteristic feature of the human skin is the apparent lack of hair most of the body surface. बहुत सारे body surface में हमारे जो होता नहीं होता है. It be actually not quite true. Most of the skin is haired, although hair is in most area is sorted fine and light pigmented. जो कि मोस्टली हमारे जो एरिया बॉडी में एवरी हेयर एवरी जगह पाए जाते हैं हेयर जो कि लाइट पिगमेंटेड होते हैं और बहुत फाइन और सॉर्ट होते हैं. टोटली हेयरलेस आर द ओनली पाम. हमारा हेयरलेस जो होता है पाम होता है ऑफ हैंड्स हैंड्स का एंड सोल ऑफ फीट होता है. डिस्टल फेरेंजेस होते हैं साइड ऑफ द फिंगर्स टोज एंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट हेयर इन दोज पार्ट्स स्किन विच वी परसीव एज अ हेयरी वी फाउंड द टर्मिनल हेयर्स थ्री पार्ट सच एज हेयर कॉल्ड द स्टॉक. ठीक है. द रूट ऑफ ईच हेयर इज इनकॉर्ड इन टू द ट्यूबुलर इमेगुनेशन ऑफ द एपिडर्मिस दैट इज हेयर फॉलिकल. द हेयर फॉलिकल विच एक्सटेंड डाउन इन टू द डर्मिस यूजुअली अ शॉर्ट डिस्टेंस इन टू द हाइपोडर्मिस. हेयर दैट यू ग्रूम डेली एक्चुअली इज डेड केराटिनाइज सेल्स होती हैं क्योंकि हम लोग डेली बाल बनाते हैं ये करते वो करते हैं. इस हेयर फॉलिकल एज एन एसोसिएटेड बंडल ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स होती हैं. दस दिस मसल इंसर्ट विथ इन टू द पैपलरी लेयर ऑफ द डर्मिस एंड विथ आउटर एंड अदर एंड ऑफ द डर्मल सीथ ऑफ हेयर फॉलिकल. दिस मेक योर हेयर स्टैंड अप्स ऑन द एंड. हेयर कलर एंड टेक्स्चर. हेयर कलर एंड टेक्स्चर हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ मेलानिन पिगमेंट. मेलानिन पिगमेंट जो होती है वो हमारे कलर को डिसाइड करती है. मेलानोसाइट सेल्स होती हैं बिकम लेस एक्टिव विद एज. धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो लेस एक्टिव होती हैं. ग्रे हेयर इज़ अ मिक्सर ऑफ पिगमेंटेड नॉन पिगमेंटेड हेयर की वजह से होता है. रेड हेयर रिजल्ट ऑफ द मॉडिफाइड टाइप ऑफ मेलानिन. मेलानिन मॉडिफाइड हो गए तो रेड कलर हो जाते हैं जो कि आयरन कंटेनिंग होते हैं. द शेप ऑफ हेयर साफ डिटरमाइन द टेक्स्चर. राउंड सॉफ्ट होगा तो स्ट्रेट हेयर. ओवल सॉफ्ट होगा तो वेवी हेयर. फ्लैट सॉफ्ट होगा तो कर्ली या किनी हेयर. परमंस यूज द केमिकल फॉर द फ्लैट एंड सॉफ्ट मेक द हेयर कर्ली. एक परम पम्स होता है. एलोपेसिया इज अ टर्म लॉस ऑफ हेयर बोलते हैं. एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन नेल होता है. नेल जो होता है प्लेट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की होती है. हार्ड की रेटिना का प्रोटेक्ट डिजिटल एंड ऑफ फेलेंजेस. ये फेलेंजेस के डिजिटल एंड को प्रोटेक्ट करता है. सेल आर केराटिनाइज्ड इनटू द नेल्स रूट. नेल ग्रोथ अकर्स into the lumina. Cuticle are the fold of stratum corneum and the proximal end of the nails. Exocrine glands इसमें exocrine and endocrine glands भी बताती है कि ये जो hormones secrete करेंगे. Exocrine glands में sebaceous gland हो गया. Oil gland are simply branch of the alveolar gland. They secrete the sebum. Sebum means oil. Oily product. Sebum usually secreted into the hair follicle. Sebum is a natural skin cream होता है. It helps the hair to become brittle. Prevent excessive evaporation of water from the skin. Keep the skin soft. Contain the bacterial agent. Inhibit the growth of certain bacteria. Bactericidal means होता है कि bacteria के growth को bacteria को kill करना. Sebaceous gland are the scattered all over the surface of the skin except the palm, sole and side of the feet. Vernix fiosa whitening covering of the fetus. Blackheads pimples होते हैं. Exocrine glands में आता है. Sweat glands are the pseudopharynx gland are the simple coil tubular glands. They are divided into two principal apocrine and eccrine. Exocrine gland mein eccrine gland are most common. They secrete the portion of secretory portion of can be located into the dermis or in the hypodermis. They produce the sweat a watery mixture of the salt antibodies metabolic waste set prevent the overheating of the body and thus the thermoregulate the body temperature.
एक्सोक्राइन में एपोक्राइन आर फाउंड मेनली इन द स्किन आर्मपिट्स एंड द एनोजेनाइटल एरिया एंड द एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट. दियर सिक्रेटरी पोर्शन कैन बी लोकेटेड इन द डर्मिस आर इन हाइपोडर्मिस. दियर सिक्रेटरी डक्ट्स ओपन इन टू द हेयर फॉलिकल. दियर सिक्रेशन मोर विस्कस देन द दैट द इक्राइन ग्लैंड. दे स्टार्ट द सिक्रेटिंग एट प्यूबर्टी में एनालॉगस टू द सेक्सुअल सेंट ग्लैंड ऑफ द अदर एनिमल. एक्सोक्राइन में सीरेमेनस ग्लैंड आर द ईयर वैक्स ग्लैंड और मेमेरी ग्लैंड आर मॉडिफाई द एपोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड. फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन प्रोटेक्शन होता है, बैरियर फंक्शन होता है, ठीक है. एपिडर्मिस प्रोवाइडर ए बैरियर फ्लूड लॉस ऑफ द बॉडी. दिस प्रोटेक्टिव फंक्शन इज अ इम्पेयर्ड फंक्शन इन द बर्न. जो भी बर्न्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन इनकी एपिडर्मिस लेयर ज़्यादा जाती है. तो इस वजह से बैरियर फंक्शन में इंटायर स्किन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो द बॉडी. एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन प्रोड्यूस द एपिडर्मिस दे एक्ट एज अ पिकरिंग होल आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रेजिस्टेंट टू बियर एंड टीयर. कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ द आउटर एपिडर्मल सेल दैट बियर ऑफ न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड ग्रेजुअली माइग्रेट टूवर्ड्स द सर्फेस. द स्किन एक्सक्रीट वाटर सॉल्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया. विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज इन द स्किन एक्सपोज टू द सनलाइट. विटामिन डी ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट. द स्किन प्रोवाइड ए बैरियर टू द अल्ट्रावायलेट लाइट. द मिलेनोसाइट्स कंटेन द मिलेनिन विच अबाउट द अब्सॉर्ब द यूवी रेडिएशन एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द पिगमेंट एंड नेवर सेल्स. स्किन एक्सपोज टू द सनलाइट बिकम द रिंकल्स एंड सीजेड. क्रीज्ड चेंजेस सीम्स टू बी ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द कोलेजन इन द स्किन इन डर्मिस एंड लॉस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट विच मेक द न्यू प्रोटीन. द इंटेग्रेटरी सिस्टम इज वेल सप्लाइड विद द रिसेप्टर फॉर टच पेन टेम्परेचर वाइब्रेशन एंड प्रेशर. सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिले टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द सेंसरी नर्वस सिस्टम. सोशल इंट्रैक्शन आर द इन्फ्लुएंस बाय द फेसियल एक्सप्रेशन ब्लशिंग एंड टच. फन फैक्ट्स देख लेते हैं. हाउ डस मेनली स्किन फ्लैग्स दैट इज नॉट एनफ दैट्स ओके एंड थैंक यू. दिस इज आवर एंडिंग आवर लेक्चर. थैंक यू.